रामलाल भाई साहब सुनिए, अरे अब हम कह रहे हैं देखिए हम रामलाल नहीं है, आप क्यों हमें ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये देखिए आप मुझे जिसके पास भी लेके जा रहे हैं ना, वो आदमी आपको नौकरी से निकाल देगा। क्यों भाई? क्योंकि 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 मेरा नाम हर्ष है। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि मेरा नाम हर्ष है, मैं रामलाल नहीं हूँ। लेकिन अंदर तेरे जैसे बहुत सारे मेहमान हैं, खातिरदारी हो रही है उनकी और अब तेरी भी होगी। चल चल देखिए अरे क्या बार बार धक्का दिए जा रहे हो, मारे जा रहे हो। भाई साहब ये देखिए ना कितना मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और मैंने इनसे कहा रामलाल है भाई साहब, मैं रामलाल नहीं हूँ, मैं हर्ष हूँ। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि रामलाल कौन है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कृपा शंकर तुमसे क्या बोल रहा था? कृपा शंकर? हाँ कृपा शंकर पांडे। कृपा शंकर? अरे भाई वही जिसने तुमको 10 का नोट दिया था पकड़वा में। हाँ आपको कैसे पता? भाई छोड़ो हमको कैसे पता का पता, ये बताओ बोल का रहा था? भाई सर वो हमसे कोई राजीव शुक्ला को मरवाने की बात कर रहा था। उसने मुझसे अच्छा ये बताओ कि राजेश शुक्ला कौन है जानते हो तुम? बिटुआ है वो हमारा। तुम तो कहा वो कृपा शंकर भी उसको हाथ नहीं लगा सकता है। अब कान खोलकर एक बात सुन लियो, फौरन बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लियो। कल सुबह अगर तुम इस शहर में नजर आ गए तो जान से मरवा। नहीं 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 मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ। मैं तो जानता ही कि कृपा शंकर कौन है, मैं तो जानता ही कि राजेश शुक्ला कौन है। मैं नहीं जानता कि कृपा शंकर राजेश शुक्ला का बेटा है या राजेश शुक्ला कृपा शंकर का बेटा रामलाल तू? अरे मेरा नाम रामलाल नहीं है, मेरा नाम हर्ष है। अगली बस सुबह 6 बजे जाएगी, तुम जाओ रामलाल, मुझे सोने दो, जाओ। अब भाई साहब एक रूम चाहिए था। मिलेगा ना, स्पेशल ऑफर चल रहा है, 500 रुपए पर नाइट। हाँ चलेगा। रामलाल नाम है ना, एड्रेस भी मालूम है। साहब कुछ चाहिए क्या? यार कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहां से। अरे ओ भाई फूल मंत्री, तेरे को मैंने बोला था दिल बनाने को, तूने लंबे लटका दिए। शादी हो रही है? जी सर। हर्ष इतना सारा काम पड़ा है, सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, बिना बोले गायब हो जाता है। अरे आप लोगों ने हर्ष को देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। हर्ष एक्सक्यूज मी। अरे हर्ष तुम कहाँ थे, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें? क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा रखा है? बेटा तुम तो जानते हो शादी के कारण हमें लड़के वालों के शहर में आना पड़ा, बहुत सारे मेहमान नहीं आ पाए। अगर एक मेहमान नहीं आया ना तो नेहा शादी नहीं करेगी। ओ बुआ पापा को याद कर रही हो? अरे तुम्हारे बाप को तो हम देख लेंगे, उसकी प्रोफेसर गिरी तो हम निकालेंगे, बस एक बार हमारी बिटिया की शादी हो जाए। अच्छा महाभारत घर जाके कर लियो। ये बता यहाँ क्यों बुलाया, क्या काम है? नेहा की दोस्त अगर शादी में नहीं आएगी तो वो शादी नहीं करेगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ, उसके गाड़ी का समय हो गया, जाओ जल्दी जाओ। मैं कैसे ले आऊंगा, कहाँ से ले आऊंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे। तुम ना इतने बड़े हो गए हो और एक लड़की को नहीं पहचान सकते? एक लड़की को पहचानने की बात नहीं है बुआ, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, कौन है वो, कहाँ है, कैसे पहचानूंगा मैं उसे? कैसे पहचानूंगा, नैना नैना नाम है उसका, और लोगों से पूछ लेना, और मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, जा अपने हिसाब से कर लेना। हाँ
फंसा लिया। अब कैसे ढूंढूंगा उसे? शक्ल तो मैं उसकी जानता नहीं, तो फिर मैं इन सबको फोन करता हूँ। यो प्रातःश्री। अरे यार, वो नेहा की दोस्त है ना नैना, यार मैं उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन आया हूँ। लेकिन यार, भुआ ने तो सिर्फ उसका नाम बताया था। शक्ल तो मैं उसकी जानता नहीं, तो फिर तो एक काम करो, गाने गाओ। जितने भी अपनी हिंदी फिल्मों में नैना के नाम से गाने हैं ना, सब गाओ। अबे पागल है क्या? अभी गाना गा के कैसे ढूंढूंगा यार? हाँ, अरे वो अपना नाम सुनेगी तो आ जाएगी ना। क्या भैया, तुम्हें भी कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल भी। हेलो, हाँ मेरे नेटवर्क में फोन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे अरे सुन सुन, अरे हेलो हेलो। अरे यार साला कमीना, क्या करूं। नैना नैना कजरा रे। अच्छा गाता है, है? सॉरी सर, सॉरी। क्यों बे, बहुत हीरो बन रहे हो बे, है? ये गाना गा के किसको ढूंढ रहे हो? गाना? मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं सर। अच्छा, तो फिर ये नैना नैना क्या है? अच्छा वो वो नहीं नहीं तो फिर वो नहीं नहीं वो मतलब कि सर मैं तो किसी को ढूंढ रहा था। आप गाना गाएंगे, नैना देवी मिल जाएंगी। नहीं सर, बात वो नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं उसका सिर्फ नाम जानता हूँ, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है सर। अब सर आप बताइए, आप किसी का सिर्फ नाम जानते हो और आपने आज तक तो उनको कभी देखा ना हो, और आपको उनको ढूंढने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उनको ढूंढने के लिए गाना ही गाएंगे ना? तो मैं भी उसको ढूंढने के लिए गाना ही गा रहा था सर। हर्ष, ए तरुण, हे भगवान, इसका सब कुछ दिख रहा है। ए तरुण, चलो उठो, बहुत सारा काम है, चलो चलो चलो। हर्ष हर्ष, उठ बेटा, शादी हो गई है, अपने शहर भी चलना है ना। उठो बेटा, चलो चलो चलो। सोने दो ना, अभी तो सोया हूँ। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, चलो उठो, बहुत सारा काम है, चलो उठो 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 बेटा। नेहा चली गई क्या? हाँ बेटा, वो तो चली गई, अब कैसे रहेंगे उसके बिना। और नैना? वो अभी 15 मिनट पहले ही गई है। क्या, नैना गई? हाँ गई, अब चलो चलो जल्दी, बहुत सारा काम पड़ा है। नैना चली गई, उठ नैना चली गई, जल्दी कर जल्दी कर। चलो जल्दी से नहा कर तैयार हो जाओ, चलो उठो, बहुत सारा काम पड़ा है। देदास, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। नैना चली जय है तो मनवा मार। अरे बेटा धीरे, संभाल के गिराओगे क्या? पापा धीरे ही तो चला रहा हूँ, अगर स्पीड में चलाऊंगा ना तो ये देखो, ये साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल जाएगा। तो निकल जाने दो, निकल जाने दो। अरे दुर्घटना से देर भली। आप और आपके प्रिंसिपल पापा, गलत घर में पैदा हो गया मैं। अरे तो अमेरिका में पैदा हो जाते हैं,
जानते हो एक दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं हिंदुस्तान में? पता है 25,000 लोग मारे जाते हैं कम से कम। एक्सीडेंट तो आपका भुआ कराएगी, शादी में नहीं आए ना आप। अरे क्या खाक एक्सीडेंट करवाएगी? किसने कहा था दूल्हे के शहर में जाके शादी करने के लिए है? हम अपनी स्टाफ मीटिंग पोस्ट में थोड़ी ना कराते। हाँ, आपके बगैर तो वो हो ही नहीं सकती थी। अरे बेटा प्रिंसिपल भी कोई चीज होती है। डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, बस। अरे तुम नहीं ना जानते अपनी बुआ के गुस्से को, हम जानते हैं। पानी के बुलबुले की तरह है, माफी मांगेंगे एकदम शांत हो जाएगी। और नेहा, अरे नेहा के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। घूस देंगे आप? अरे बेटा आजकल के जमाने में घूस दिए बिना काम भी तो नहीं चलता है। और कितनी दूर है? अरे ये रहा ना, वो तोरसिया वाली गली नहीं उधर। रुक रुक रुक, सामने बाबा प्रणाम। जय चबूतरे वाले बाबा की, नैना का घर। वो पिंजरे वाला। अबे अबे क्या हो गया, क्या हुआ? अरे नैना की माँ की आँख। नैना की माँ की आँख साले। मेरा मतलब है नैना की माँ की आँख से बचना। क्यों? अरे बहुत क्लोज है। अच्छा? हाँ, उसे पता चल गया ना तुम्हारे प्यार की पतंग यहीं कट जाएगी। अबे ऐसे कैसे कट जाएगी? आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो पगला पगला? देखो क्या, अरे भैया मरो, खाओ अपने भी। तनपुर डर लग रहा है, समझो मार्केट में पिटवाओगे तुम, समझो ना यार। छोरा यहीं गली गली में बुझ ना जाए शमा। आ गई आ गई। हां हेलो मोरी भाभी पढ़ना हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब चाहिए। कैसा जवाब? मेरा आई लव यू का। क्या पागल हो क्या? प्यार ऐसे होता है? तो फिर कैसे होता है? हवन करवाऊं या इसके लिए भी एग्जाम पास करूं, या फिर वो जैसे फिल्मों में होता है हाथ काट लूं, खाना पीना छोड़ के सूट के काटा हो जाऊं, या दारू पी के अपनी किडनी फेल कर लूं?
या फिर पीपा के पुल से कूद के गंगा मैया में जान दे दो। बताओ कैसे करूं, कैसे करूं? पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्यार में। अब तो जवाब दे दो। नहीं है हमारे पास। मुझे अभी जवाब चाहिए, हाँ या ना। अच्छा बाबा सोच के बताएंगे, बस आज ही सोचना। हाँ। उत्तरी तो भाभी आ गई तेरी, सुंदर लग रही है ना। तुम्हारा काम हो जाएगा आज। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। पागल हो गए? नो, आज तो तीसरा दिन है, आज तो सोच लिया होगा। तुम बिल्कुल पागल हो। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। क्या हुआ? होगा। तुम फिर से? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, गंगा जी की कसम। एक बार हाँ बोल दो। हाँ हर्ष, हम जानते हैं तुम हमें बहुत खुश रखोगे, लेकिन अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। हम वही करेंगे जो हमारी माँ चाहती है। हर्ष पापा नहीं है हमारे, हमारी माँ ने बहुत मुश्किलों से हमें बाहर पढ़ने भेजा, और तुम ही सोचो अगर उनको ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरी बात मान जाओ हर्ष, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे बस इतनी सी बात है ना? इतनी सी बात? माँ का प्रॉब्लम है ना, वो मैं सॉल्व करता हूँ ना। अच्छा